हेलो फ्रेंड, आई एम क्लास वन मैथ चैप्टर 2.5 से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, देते हैं क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन फाइंड दैट मींस कि हमको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है। तो चलिए फटाक से ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपना एक क्वेश्चन दिया है 1/2 ऑफ फर्स्ट 2/3/4 सेकेंड 4/2/9। तो देखिए यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके ना, तो किससे करना है? ये जो 1/2 है, पहले हमको 2/3/4 से करना है मल्टीप्लाई 1/2 को, देन ये जो 1/2 है उसको करना है 4/2/9 से दूसरा बार मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए पहले 2/3/4 को 1/2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले करना क्या है, ये जो 2/3/4 है, दैट मीन्स की जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एक फ्रैक्शन में। ओके ना, तो 1/2 जैसा है वैसे रहने देना, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देना, ये देन ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा, 4 का टेबल 2 बार पढ़ना है, कितना आएगा 4 2 जब हो जाता अपना 8, एंड जब 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 11। तो 11/4 अपना आ गया एक फ्रैक्शन। ओके ना, तो हमको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 को जो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 11, देन 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 8। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में है, तो हम चाहे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अपने मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आया है 1/3/8। चलिए अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट मींस के 1/2 को 4/2/9 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले करना क्या है, जो मिक्स फ्रैक्शन इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, एक फ्रैक्शन। तो जब हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो अपना निकलेगा 38/9। ओके ना, तो करना क्या है, 1 को 38 से मल्टीप्लाई कर देना, अपना निकल के आ जाएगा 38, देन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा 80। तो देखिए यहाँ पे 38/18 हो रहा है कट, तो हमको इसे कट कर लेना। तो कैसे होगा, 2 9 जो हो जाएगा 18, 2 19 जो हो गया 38। ओके, तो यहाँ पे कट हुआ तो आंसर कितना निकल गया है 19/9। तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो जब 19/9 को जो हमने मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो अपना निकल गया 2/1/9। तो चलिए ये हो गया अपना आंसर। चलिए अब बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो अपना बी क्वेश्चन है 5/8 ऑफ फर्स्ट 3/5/6 सेकेंड 9/2/3। तो पहले हमको 5/8 को 3/5/6 से करना होगा मल्टीप्लाई, देन सेकेंड राउंड में 5/8 को 9/2/3 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो चलिए फटाक से फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको करना क्या है, जो मिक्स फ्रैक्शन दिया 3/5/6 इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना निकल के आ जाएगा 18, देन जब 18 में 5 ऐड करेंगे तो अपना आ जाएगा 23/6। ओके, देन हमको करना क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, देन जब हमने 5 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो अपना आ गया 115, देन 8 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया ओके। तो इसको जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो अपना आ गया 219/48। ओके, तो अब चलिए सेकंड राउंड में चलते हैं। तो सेकंड राउंड दिया है 5/8 × 9/2/3। ओके ना, तो करना क्या है, मिक्स फ्रैक्शन दिया इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो अपना निकल गया 29/3। तो करना क्या, 5 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा 145, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24। ओके, तो अब इसका ले लेते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन। तो जब हमने इसका मिक्स फ्रैक्शन लिया तो 6/1/4 आ गया आंसर। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।